मध्य प्रदेश के गुना में डंपर से टक्कर के बाद बस में लगी आग, हादसे में 13 लोगों की जान गई, 15 यात्री जख्मी भी हुए। गुना से आरून जा रही बस हादसे के शिकार हुई, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जताया इस पर दुख, जांच के दिए आदेश। गुना बस हादसे में सीएम मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेगी 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि, घायलों को 50,000 की सहायता। मध्य प्रदेश के खंडवा में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, 30 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट, घर छोड़कर भागे लोग। खंडवा के घासपुरा इलाके में अवैध गैस सिलेंडर के गोदाम में बड़ा हादसा हुआ, आसपास के घरों में भी आग लगी, 3 लोगों के झुलसने की भी खबर आई सामने। हैदराबाद में एक कार में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुंबई के मालाड में शॉपिंग मॉल में आग लगी, आग की चपेट में आई 3 दुकानें। चेन्नई में बॉयलर के टैंक में धमाका हुआ, हादसे में एक शख्स की गई जान, कई लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के पुणे में कई एलपीजी सिलेंडर फटे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुणे में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, वटगांव शहरी इलाके के आनंद पार्क में हुई खूनी झड़प, करीब 3 लोग जख्मी भी हुए। राजस्थान के बूंदी में बेकाबू कार ने युवक को मारी टक्कर, 15 फीट दूर जा गिरा शख्स, मौके पर ही शख्स की गई जान, घटना का सीसीटीवी आया सामने। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में रेप के आरोपी के खिलाफ एक्शन, प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया है। राजस्थान के कोटा में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई, लोगों ने गाड़ी में की तोड़फोड़, 5 पुलिसकर्मी हुए चोट। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 16 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है, जनप्रतिनिधियों के घरों का किया घेरा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर से जुड़ा ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद जब्त। इंदौर में न्यूजीलैंड की युवती के साथ रेप, खजराना थाने में आरोपी के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। यूपी के उन्नाव में दबंगों से पीड़ित शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, एसपी ऑफिस में किया आत्मदाह का प्रयास, गंभीर रूप से हुआ घायल। उन्नाव आत्मदाह मामले को लेकर एक्शन में दिखी पुलिस, आईजी ने दोबारा जांच करवाने का दिया आश्वासन। यूपी के अमेठी में कार सवार बदमाशों ने छात्रा का किया अपहरण, हाईवे पर छोड़कर हुए फरार, पुलिस ने शुरू की अपनी जांच।